दिल्ली हिंसा में अब तक 53 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें मृतकों में 3 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। हिंसा वाले दिन यानी सोमवार को दिल्ली के मुस्तफाबाद में खैरात मशीन का काम करने वाले शहबाज लापता था। शहबाज सोमवार की शाम को घर से हिंसा के बीच दुकान बंद करने गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौट सका। वही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बुलंदशहर के अपरपुर में मृतक शहबाज के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान रावण ने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022 में जनता इसका बदला लेगी। कोई नेता को तकलीफ नहीं हुई, सब आम आदमी को तकलीफ। तो ये दंगे जो है, ये आम आदमी कभी दंगों की पैरवी नहीं करता, कभी दंगा नहीं चाहता। सियासी लोग अपने फायदों के लिए दंगा करते हैं। इसमें पिछता है वो कमजोर वर्ग का लोग, जिनको रोज सड़क पर जाना है, जिनको काम करना है, जिनको दूध लेके आना है अपना, जिनको अपना राशन लेके आना है, जिनको मजदूरी करनी है, परिवार में दिक्कत है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में दंगाइयों ने शहबाज को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मृतक के परिजन कहते हैं कि आखिरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर ये नफरत और नफरत के चलते खून की होली आखिरकार कब तक खेली जाएगी। हिंसा वाले दिन से 4 दिन बाद दिल्ली से 104 किलोमीटर दूर देवाई इलाके के भीमपुर गांव के शाहिद के शव सुपुर्द खाक कर दिया गया। मगर भीमपुर गांव से ठीक 60 किलोमीटर दूर जहांगीराबाद इलाके के साखनी गांव के अशफाक का शव परिजनों को अब तक नहीं मिल पाया है। दिल्ली हिंसा ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के इन परिवारों को जो जख्म दिए हैं, वो आसानी से भरने वाले नहीं है, और इन परिवारों में मरने वाले अपने परिवार के वो मुखिया थे जो 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए बड़े शहर यानी दिल्ली मेहनत मजदूरी के लिए अपना गांव छोड़कर गए थे। बुलंदशहर से खबर तहकीकात के लिए निजाम बर्नी की रिपोर्ट।